वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं MG Astor के बारे में। ऑफिशियली अभी लॉन्च तो नहीं हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इसकी निकल के आ रही है वो है 7th अक्टूबर। एंड जो लोकल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7th अक्टूबर से इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी एंड फर्स्ट 3500 बुकिंग्स ही ली जाएंगी। उसके बाद थोड़े टाइम पीरियड के बाद फिर से स्टार्ट की जाएंगी। बाकी आप फ्रंट लुक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं आपको इस गाड़ी में, जो इस गाड़ी को इसके बाकी के राइवल से काफ़ी अलग बनाएंगे। बाकी फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दी गई है गाड़ी को। एंड अगर आप फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो आपको ये थोड़ी सी सिमिलर लगेगी ZSCV की तरह। सेंटर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे MG का लोगो एंड एक क्रोम इंसर्ट्स फिनिश में मिलेगी आपको ग्रिल। काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है गाड़ी को। एंड इसके सराउंडिंग्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश, चेक कर सकते हैं आप। लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन एंड ये आपको रडार देखने को मिल जाएगा, लोअर ग्रिल, सिल्वर स्किड प्लेट। एंड यहाँ साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRL, फॉग लैम्प्स, ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है सराउंडिंग्स में, रफ ब्लैक फिनिश, अराउंड 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की। बाकी चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 17 inch के अलॉय व्हील्स, MG का लोगो, कॉन्टिनेंटल्स के टायर्स दिए गए हैं साथ में। एंड साइज की बात करें तो साइज रहेगा 215/55 R17, व्हील क्लैडिंग। एंड यहाँ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर। इसके साथ आपको मिलेगा 360 degree व्यू के लिए कैमरा एंड ये हीटेड ORVMs रहेंगे। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी थ्रू आउट सी पिलर। 4323 mm लेंथ एंड 1650 mm हाइट है गाड़ी की। फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। एंड फ्यूल टैंक की बात करें तो अराउंड 48 liters का फ्यूल टैंक रहेगा। सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्टड फ्रंट सस्पेंशन है। एंड रियर की बात करें तो रियर में दी गई है टॉर्शन बीम। बाकी यह है गाड़ी का रियर लुक, काफ़ी ब्रॉड लुक दिया गया है रियर से भी। टॉप चेक करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिल्वर रूफ रेल्स, पैनोरामिक सनरूफ एंड ब्लैक पियानो फिनिश में शार्क फिन एंटीना। एंड यह इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर, डिफॉगर एंड यह है LED टेल लैम्प्स, MG का लोगो, Astor की बैजिंग। एंड इसमें आपको मिलता है Level 2 ADAS। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑटोनोमस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, रियर पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स, ब्लैक पियानो फिनिश। एंड नीचे आपको मिलती है सिल्वर स्किड प्लेट विद क्रोम इंसर्ट्स। एंड ऐसे कुछ होगा इसका टेल गेट ओपन, सिंपली आपको लोगो को अंदर प्रेस करना होगा। बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको मिलेगा अराउंड 450 liters का बूट स्पेस। काफ़ी बड़ी पार्सल ट्रे दी गई है, लगेज लैम्प, स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 6 inch का स्पेयर व्हील जिसका साइज रहेगा 215/60 R16, अपोलो का टायर दिया गया इसमें। एंड 60/40 स्प्लिट रेशियो में रहेंगी रियर सीट्स। कर लेते हैं टेलगेट क्लोज। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स पे। डोर हैंडल्स पे क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी आपको। एंड ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का रियर डोर, ड्यूल टोन ब्लैक एंड रेड फिनिश में डोर हैंडल। यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है एंड यह है लेदरेट फिनिश। पावर विंडो, बॉटल होल्डर, स्पीकर एंड यहाँ आपको मिलती है लेदर अपॉल्स्ट्री। 5'11" मेरी हाइट है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है गाड़ी में। सेंटर आर्मरेस्ट, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर भी दिए गए हैं। एंड यहाँ आपको मिलेंगे 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। काफी प्रीमियम लुक दी गई है गाड़ी के इंटीरियर को, चेक कर सकते हैं आप। काफी बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा आपको इसमें।
ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का फ्रंट लुक रियर से। एंड ये इसका सीवीटी वेरिएंट है, इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी मिल जाएगा। रियर एसी वेंट्स सिल्वर फिनिश के साथ, एंड ये आपको मिलेंगे 2 चार्जिंग सॉकेट्स, सीट्स पॉकेट्स भी दी गई हैं। चलिए फ्रंट सीट्स पे चल लेते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड पे। सो ये है ड्राइवर डोर, लॉक एंड लॉक का बटन, डोर हैंडल सिल्वर फिनिश, एंड यहाँ आपको मिलेगी लेदरेट फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर, स्पीकर, एंड यहाँ आपको मिलेगी 6-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट, बट वेंटिलेशन का फीचर नहीं रहेगा इसमें। लेदर अपहोल्स्ट्री, एसी वेंट के सराउंडिंग में भी आपको सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है। यहाँ पे भी लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगी। ओआरवीएम के कंट्रोल्स, हेडलैम्प लेवलर, यहाँ से आप ओपन कर पाएंगे बोनेट एंड फ्यूल लिड। जैसे कि सीवीटी वेरिएंट है, इसमें आपको फुटरेस्ट भी दिया गया। चलते हैं इंटीरियर में। सो ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का इंटीरियर, ड्यूल टोन ब्लैक एंड रेड फिनिश में। चलिए एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ मिलेगा आपको इसका स्टार्ट स्टॉप बटन। सो ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको दी गई है 7 इंच की MID जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, जैसे कि ड्राइविंग स्टेटस, टाइम, डेट, जर्नी स्टेटस, ब्राइटनेस, इंजन टेम्परेचर, डिस्टेंस टू MT, ड्यूल ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एंड इसमें आपको स्पीड एंड RPM डिजिटली भी दिखाएगा। यह है गाड़ी का डी कट लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद टिल्ट फंक्शन ओनली, एंड यहाँ आपको मिलेंगे वॉल्यूम, टेलीफोनिक एंड सोर्स के कंट्रोल, MG का लोगो, सिल्वर फिनिश, MID एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी, एंड इसके सराउंडिंग में ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है। एंड यहाँ आपको मिलेंगे क्रूज एंड हेडलाइट के कंट्रोल्स, एंड यह है गाड़ी का सबसे कूल फीचर पर्सनल AI असिस्टेंट। ये सपोर्ट करेगा आपकी वॉइस कमांड्स, एक बार मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। हेलो एस्टर, ओपन सनरूफ, हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग, क्लोज सनरूफ, एंड गाइस इसमें आपको एक और कूल चीज़ मिलती है कि जैसे अगर आप ड्राइवर साइड से इसको कमांड दे रहे हैं तो ये ड्राइवर साइड देखेगा, अगर कोई को ड्राइवर साइड बैठा है अगर वहाँ से कोई उसको कमांड देगा तो ये उस साइड देखेगा। एक बार आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग। तो गाइस कैसा लगा आपको ये फीचर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, एंड यहाँ इस इवेंट के सराउंडिंग्स में आपको ये सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। हजार स्विच, एंड ये है 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ, FM, वॉइस कमांड्स, एंड इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू भी मिलता है, चेक कर सकते हैं आप। इसकी क्लैरिटी की बात करें तो थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था इसे, एंड यहाँ इसके साथ आपको मिल जाएंगे इसके मोड्स, इसमें आपको इसी के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, म्यूजिक, व्हीकल सेटिंग्स, ये आपको मिल जाएगी लैंप सेटिंग, टायर प्रेशर, EPS, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर ड्राइव असिस्ट, लेन असिस्ट सिस्टम, स्पीड असिस्ट सिस्टम, एंड जैसे कि इसमें ADAS लेवल 2 दिया गया है तो इसमें काफ़ी ऑटोनोमस फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि लेन क्रीप असिस्ट, रियर ड्राइविंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। यहाँ पे आपका आ जाएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन,
एंड यहाँ आपको मिलेंगे बेसिक फीचर्स के लिए फिजिकल बटन जैसे कि होम, वॉल्यूम, क्लाइमेट, 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, 12 वॉट का पावर आउटलेट, कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलेगा इसमें आपको, एंड ये है CVT गियरबॉक्स। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हिल डिसेंट का बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन एंड 360 डिग्री कैमरा व्यू का बटन। इसके सराउंडिंग में भी आपको ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ट्विन कप होल्डर, एंड ये है गाड़ी का आर्मरेस्ट, काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी आपको इसमें। एंड ऐसी कुछ रहने वाली है गाड़ी की कीज, लॉक अनलॉक एंड टेल गेट ओपन करने का बटन रहेगा इस पर। एंड ये है इसका ड्यूअल टोन डैशबोर्ड, इसमें आपको ब्लैक एंड आइवरी कलर भी ऑफर किया जाएगा। ग्लव बॉक्स, ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं रहेगा, इसमें आपको मिल जाती है कुछ फर्स्ट एड किट, ऑन बोर्ड एयर प्योरीफायर भी मिलता है आपको इसमें, ट्विटर, एंड ये है मैनुअल IRVM। एंड इसके पीछे विंडशील्ड पे भी आपको कैमरा मिल जाएगा। एंड यहाँ इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे कैबिन लाइट्स के कंट्रोल्स, एंड यहाँ ऊपर आपको मिलेंगे सनरूफ के कंट्रोल्स। इसमें टोटल आपको 8 मोड्स दिए गए हैं, ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी गाड़ियों से। बाकी गाड़ियों में आपको स्लाइड करना पड़ता है, इसमें ये नॉब दी गई है। ड्राइवर साइड सन वाइजर, इसमें आपको वेंटी मिरर भी मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको एयरबैग वार्निंग्स, एंड यहाँ पे भी वेंटी मिरर दिया गया है। ग्रैब रील, एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक USB सॉकेट भी मिल जाएगा डैश कैम के लिए, अगर आप डैश कैम लगाना चाहते हैं। एंड यहाँ से आप पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो ये था गाड़ी का इंटीरियर, चलिए अब गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये है गाड़ी का इंजन लेआउट, इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक रहेगा आपका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करेगा 110 BHP की विद 144 Nm मैक्सिमम टॉर्क। एंड इसके साथ आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT गियरबॉक्स। एंड अदर ऑप्शन रहेगा 1.4 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करेगा 140 BHP की विद 220 Nm मैक्सिमम टॉर्क। एंड बाकी गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको टोटल 5 कैमरा मिलेंगे, एक फ्रंट MG लोगो के नीचे विंडशील्ड पे, दोनों ORVMs पे एंड एक रियर साइड पे। एट द एंड प्राइसिंग की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग इसकी रहने वाली है वो रहेगी बिटवीन 10 to 17 lakhs। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड कार है इस सेगमेंट में, एंड इस प्राइस रेंज में आपको इस गाड़ी से ज़्यादा फीचर और किसी में नहीं मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको MG Astor कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट MG Astor, आई होप यू गाइस लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।